दोस्तों आप लोग एलपीजी सब्सिडी किस प्रकार से चेक करते हैं? आपके मोबाइल पे जब मैसेज आता है बैंक की तरफ से, उसमें ये लिखा होता है कि आपकी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, तो आपको पता चलता है कि आपकी एलपीजी सब्सिडी आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो गई है। लेकिन किसी महीने ख़राब नेटवर्क की वजह से आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता, तो आप सोचते हैं कि हमारी एलपीजी सब्सिडी शायद हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। तो आप उसके लिए बैंक जाते हैं, अपनी पासबुक एंट्री करवाते हैं, और जब पासबुक में देखते हैं कि एलपीजी सब्सिडी आपके खाते में क्रेडिट हो गई है, तो आप सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमारी सब्सिडी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। तो बैंक जाते हो, अपना टाइम ख़राब करते हो, कितनी लंबी प्रोसेस हो जाती है आपके लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपको अपनी एलपीजी सब्सिडी चेक करनी हो, तो आपको बिना बैंक जाए घर बैठे किस प्रकार से आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आप उसे फॉलो करके बड़े आसानी से अपने मोबाइल में यह देख सकते हैं कि आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है अथवा नहीं हुई है। जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु टेक। एलपीजी सब्सिडी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल ब्राउज़र में आ जाना है। उसके बाद में देखिए राइट साइड में जो तीन डॉट दिखाई दे रही हैं, आपको इनके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए जो नीचे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये आपका मोबाइल का पेज बिल्कुल कंप्यूटर के पेज जैसा हो गया है। अब आपको इसमें टाइप करना है माई एल पी जी। माई एल पी जी सर्च करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है माई एल पी जी डॉट इन होम, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देखिए ये आपके सामने तीन सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस। आपका जिस भी एजेंसी का सिलेंडर है आपको उसी सिलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं इंडेन गैस की सब्सिडी चेक करके बताता हूँ। अब देखिए मैंने इंडेन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है। अब मुझे गिव फीडबैक पर क्लिक करना है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए लिखा हुआ है गिव फीडबैक, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। आपका जो भी मोबाइल नंबर एजेंसी और बैंक के अंदर दिया गया है आपको उसे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में नीचे आ जाइए और देखिए ये नीचे लिखा हुआ आई एम नॉट रॉबर्ट, आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने इस प्रकार की टेल ओपन होती है, जिसमें कि आपकी जो सिलेंडर है जिस भी नाम से होता है वो आ जाता है। और ये देखिए नीचे सब्सिडी की डिटेल आ जाती है। ये देखिए इसमें सारी सब्सिडी की डिटेल आ चुकी है। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दिसंबर के महीने में 303 रुपये, फिर जनवरी में 189 रुपये, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में 205 रुपये 88 पैसे। ये देखिए एलपीजी सब्सिडी की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों देखा ना आपने कितना आसान है एलपीजी सब्सिडी चेक करना। आप अपने मोबाइल में अभी अपनी एलपीजी सब्सिडी चेक कीजिए कि आपके मोबाइल में एलपीजी सब्सिडी आई है या नहीं आई है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही हो सब्सिडी से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से जो हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और मैं आपके लिए और वीडियो ऐसे बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।